गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश चतुर्थी पर साल गणपति बप्पा लोगों के इको फ्रेंडली दोस्त बन गए हैं। बाजारों में लाल बाग के राजा की इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण अनुकूल मूर्ति की मांग 50% से ज्यादा बढ़ गई है। मूर्ति इस प्रकार तैयार की जा रही है कि विसर्जन के 10 ही मिनट बाद पानी में घुल जाएगी ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। सबसे खास बात ये कि छोटी मूर्तियों को घर में टप के पानी में भरकर ही विसर्जित किया जा सकेगा। ये बप्पा की मौजूदगी को और भी खास बनाएगा। भगवान गणेश की छोटी बड़ी मूर्तियां भक्तों को मोहित कर रही हैं। इन मूर्तियों में किसी में बप्पा मोर पर सवार दिख रहे हैं तो किसी में नंदी के ऊपर सवार है। कई मूर्तियों को देख यूं लग रहा है कि मानो विघ्नहर्ता अभी बोल उठेंगे। गणेश चतुर्थी से पहले इस वक्त दिल्ली के बाजारों में लोग बप्पा की मूर्ति, पंडाल, सिंहासन, मोदक समेत अन्य सामानों को जमकर खरीद रहे हैं। नंदी डेयरी, सरोजनी नगर, सागरपुर, मॉडल टाउन, इंद्रपुरी, आरकेपुरा समेत राजधानी के अन्य बाजारों में इन मूर्तियों को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य राज्यों के लोग भी इन इको फ्रेंडली मूर्तियों को अधिक से अधिक मांग कर रहे हैं। सागरपुर में इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार कर रही सीता ने बताया कि इन मूर्तियों के विसर्जन से जल में रहने वाले जीवों को कोई नुकसान नहीं होगा। इससे पहले शहर में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों की बिक्री हुआ करती थी जिनके तालाबों में विसर्जन पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद इको फ्रेंडली मूर्तियों का चलन बढ़ गया। इस बार इको फ्रेंडली मूर्तियों की मांग पहले की तुलना से 50% से भी ज्यादा बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल की मिट्टी और मध्य प्रदेश की लकड़ी से बने भगवान गणेश में विराजमान होंगे। मूर्तियां बनाने में 4 प्रकार की मिट्टी, पराली और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाएगा। ये कलाकार कलकत्ता से गंगा से निकली मिट्टी लेकर आते हैं। लकड़ी और बांस मध्य प्रदेश के खंडवा और सरगोन से लाते हैं। इनके पास 10 फुट से ऊंची मूर्तियां हैं। इस फुट की मूर्ति 1 फुट की मूर्ति की कीमत केवल 500 रुपए है। 3.5 फुट की मूर्ति की कीमत 6000 और 7 फुट की मूर्ति की कीमत पूरे 12000 है। सरोजनी नगर में 14 साल की उम्र से बप्पा की मूर्ति को अंतिम रूप दे रही दामिनी ने बताया कि पूरा परिवार दिन रात मूर्ति बनाने में जुटा रहता है। विघ्नहर्ता के नैन नक्श को बनाने में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके साथ उन्होंने आसन भी बताया कि विशेष के बनाया जा रहा है। इस बार छोटी बड़ी मूर्तियों की भी मांग है क्योंकि अब घर घर में लोग भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग मूर्ति खरीदने आते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आसपास के बप्पा के विभिन्न प्रकार की मूर्तियां मौजूद हैं। इनमें भगवान गणेश मोर, नंदी, घोड़े और सिंहासन पर विराजमान दिखते हैं तो किसी में वो नाचते भी दिख रहे हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।